ऊपर वाला कितना दयालु है, हैं? मैंने चाहा कि सैम भैया मेरे घर पे आके खाना खावे और देखो वो आ गए और खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। जूलिया, खाना और ले आना, खत्म हो गया तो पड़ोसियों से ले आना, सैम भैया भूखा नहीं रहना चाहिए। क्यों बे, तू पहले नहीं बता सकता था कि तेरा अकेला भाई 10 आदमी का खाना खा जाता है? देख, 10-12 आदमी मरेंगे ना, उसका कॉफिन बेच के मैं पैसे लाऊंगा, तब मेरे घर में राशन आएगा। अरे पैसे मैं दे दूंगा यार। दे देगा ना? हाँ, लेकिन बात तो सुनना पिंटो, सैम भैया की ताकत और तेरा दिमाग, इसी के सहारे मैं ये रजिस्टर शादी करने जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा ना? तू फिकर मत कर रहे, तू कल रजिस्ट्रार की ऑफिस पे वक्त पे पहुंच जाना, मैं मारिया को लेके वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अगर मारिया के परिवार ने कुछ गड़बड़ करी ना, तो सैम भैया काम आना चाहिए, इतना खाना खिलाया, खर्चा किया, बात कर ले, एकदम पक्का कर ले, बात कर ले, बात कर। सैम भैया, आपने मेरा हाथ थामा है, उसी के बलबूते पे मैं ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, वहाँ अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप संभाल लोगे ना? हाँ? अरे डंडे से मारेंगे कह रहे। चिकन, चिकन। ए सैम भैया को चिकन चाहिए। चिकन? हाँ। अभी अंडे में है, जब बाहर निकल के बड़ा होगा ना तब पका के देंगे। सैम भैया बाकी का घर जाके। हाँ? इसको ले जा अंदर, वरना चिकन समझ के इसको खा जाएगा।